एक ऐसी चीज सुनाना चाहता हूं आप सब जजेस से माफी चाहते हुए जिसमें हंसी नहीं है. आई हैव अ 10 इयर्स ओल्ड डॉटर, शी हैज फॉलन सीरियसली सिक, जिसको आज पीजीआई चंडीगढ़ में ले जाया गया एडमिट कराने के लिए. तो मैंने अपनी जिंदगी के अंदर अपनी बेटी के लिए एक कविता लिखी है, अगर आपकी इजाजत हो तो. मैं क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है. क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है. वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह या उमस में शीतल हवा की तरह. वो चिड़ियों की चहचाहट है या कि निश्चल खिलखिलाट है. वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पे लगा ताला है. वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है. वो जिंदगी सही जीने का आचरण है. वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे. वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे. क्या लिखूं, वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे. वो अक्षर जो न हो तो वर्णमाला अधूरी है. वो जो सबसे ज्यादा जरूरी है. ये नहीं कहूंगा कि वो हर वक्त सांस सांस होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती हैं. वो मुझसे ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां, मर्सिडीज की ड्राइव, फाइव स्टार में खाने या नए नए आईपॉड्स नहीं मांगती. न कि वो बहुत सारे पैसे अपने पिग्गी बैंक में उंडेलना चाहती है. वो बस कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है. वो बस कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है. और आखिरी पंक्तियां यह है कि मैं वही बेटा काम है, बहुत जरूरी काम है, शूटिंग करना जरूरी है, नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा, जैसे मजबूरी भरे दुनियादारी के जवाब देने लगता हूं. और वो झूठा ही सही, जैसे मुझे एहसास कराती है जैसे सब समझ गई हो, लेकिन आंखें बंद करके रोती है, सपने में खेलते हुए मेरे साथ सोती है. जिंदगी न जाने क्यों इतनी उलझ जाती है, और हम समझते हैं कि बेटियां सब समझ जाती हैं.